ये ब्रॉन का टिश्यू प्रोसेसिंग फ्लोटिंग बाथ है, और इसके अंदर डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है, हमारे पे बिना डिजिटल भी आता है। इसमें ये ऑन ऑफ स्विच है, जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो सारा ऑफ हो जाता है, जब इसको ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर तब जलेगा जब हीटिंग हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कैसे काम करता है। ये टेम्परेचर बता रहा है जो इसका पानी का अंदर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बता रहा है जो मैंने सेट किया हुआ है। कैसे सेट करना है, सेट दबाएंगे यहाँ पे सेट आ जाएगा। अगर मैंने डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, मैं इसको 64.5 पे रख के एंटर कर देता हूँ, तो ये परमानेंटली इसमें दिखता रहता है। हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और ये कंट्रोलर आसान हो गया आपको समझने के लिए। अब हम इसका यूज़ बताता हूँ। जब हम माइक्रोडोम के ऊपर हम सेक्शन काटते हैं, वो ऐसे हम ग्लास स्लाइड के ऊपर हम सेक्शन ले लेंगे, और उसको हम इसका लिड हम ये तभी तक है ताकि डस्ट ना पड़े, ऐसे करके स्लोली हम इसके अंदर हम इसको स्लोली छोड़ देते हैं, क्योंकि वैक्स होती है तो वो आपने हाथ नहीं लगाने, ये ऐसे इसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, क्योंकि ये तो पेपर है डूब गया, वैक्स वाला फ्लोट करने लगे। जब 67 डिग्री हुआ होगा या 65 डिग्री पे वैक्स अगर पिघलती है, 52 58 से 62 पे जनरली पिघलती है, पर हम 67 जान के रखते हैं, तो हमारा ये अलग हो जाएगा उसका टिश्यू वैक्स में से, और उसके बाद हम इसी स्लाइड से वापस इसको उठा के स्टेन करके यूज़ कर लेते हैं। बड़ा आसान है, प्लीज़ विजिट करिए एब्रॉन www.ebronexports.com और ईमेल भेजिए ebron01@gmail.com। थैंक यू। ब्लैक इनसाइड इसलिए किया हुआ है ताकि टिश्यू आसानी से दिखाए। थैंक यू वेरी मच।